بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته इन दिस वीडियो वी विल लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स इन डिटेल वन बाय वन एंड वी विल मेमोराइज इट रूल्स एक्टिव वॉइस क्या है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ a verb x दॉब इज सेट टू बी एन द एक्टिव वॉयस वक्ट ऑफ अवब जब एक वॉब का फाइल जब एक फैल कामल करता है द वॉब इज सेट टू बी एन द एक्टिव वॉइस तो हम कहते हैं कि वॉब फैल एक्टिव वॉइस में है शी सेंग असोंग शी सेंगे यहां पर सब्जेक्ट काम कर रहा है एक्ट म कर रहा है ही विल राइट अटर ही सब्जेक्ट काम कर रहा है एक्ट एक्टिव सोमन के सोमन सब्जेक्ट एक्ट अमल करती है तो एक्टिव वॉयस है पेसिवॉइस क्या होगा अ वॉब इज इन देश वॉयस एक वॉब एक फेल पेसिव वॉइस में कब होगा कुछ हुआ है एक शख्स या एक चीज के साथ कुछ हुआ है डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को फाइल को जाहिर करता है जिसको हम सब्जेक्ट से जाहिर साग वाई हर असोंग तू यहां पर समथिंग है सॉन्ग समथिंग इज डन बाई होम बाई दब्जेक्ट हर माई लेसन इज लर्न बाई मी अटर विल बी रेटर्न बाई मी देस समी सॉल्व बाई सोम यहाँ पर असोंग माई लेसन अटर ये समथिंग है जो हुआ है समथिंग इज डन टू ही

फेल से दिखाया जाता है जो वो अब से अहम हो इम्पोर्टेंट हो इन द डूअर में नॉट बी इम्पोर्टेंट और काम करने वाला एक जैसा अहम ना हो इन इज नॉट अन अकाउंट ऑफ द सेम और वो इस हिसाब से वह बयान नहीं किया गया तो जब एक्शन जो हुआ हो बाई द वो इम्पोर्टेंट हो तो वहां पर हम पेसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं डर मे नॉट बी इम्पोर्टेंट और डूअर काम करने वाला अहम ना हो वन द सब्जेक्ट और एजेंट इज आइदर अन और इनसिग्निफिकेंट जब सब्जेक्ट फाइल या एजेंट काम करने वाला या तो मालूम हो मालूम ना हो कि किसने काम किया है या इनसिग्निफिकेंट हो ज्यादा अहम ना हो वन दियर इज नीड फॉर ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग जब जरूरत हो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग के लिए वाइल डिस्क्राइबिंग समेक्निकल और साइंटिफिक प्रोसेस जब हम कुछ टेक्निकल या साइंटिफिक प्रोसेस को बयान करते हैं तो वहाँ पर हम पेस वाइस यूज करेंगे अब कुछ रूल्स है एक्टिव वॉइस को पेसी वॉइस में बदलने के लिए कुछ रूल्स है उसूल है जो आपको मेमोराइज करने हैं वन बाय वन एक्टिव और पेसी वॉइस को सही समझने के लिए आपको ये रूल्स वन बाय वन मेमोराइज करने होंगे अपने जहन में जहन नशीन करने होंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस टेक्स द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन देश वॉइस एंड वॉइस वर्सा object ऑफ द verb एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट की जगह लेगा ऑब्जेक्ट की जगह लेगा में वर्स और इसके मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा पेशी वॉइस में तो ये पहला रूल है पहले रूल को हमने मेमोराइज किया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा शी ओपन द डोर द डोर वॉज ओपन बाई हर यहां पर शी सब्जेक्ट है द डोर ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर पेशी हुआ है इसमें द डोर सब्जेक्ट बन जाएगा और हर ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये दोनों अपनी पोजीशन जगह बदलते हैं ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट की जगह लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है बस दूसरा रूल है द फॉर्म ऑफ वर्ब इज इनटू पास पार्टिसिपल ये सब में पास्ट पार्टिसिपल होगा वर्ब थर्ड फॉर्म होगा दूसरा रूल मेमोराइज करे नशीन करें कि वॉइस में पास पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होगा सब पेशी वॉइस में शी लेटर अ लेटर इज रिटन बाय हर रूल नंबर थ्री लाइक एवरीवन और कुछ इनडिफिनेट जो खास ना हो एवरीवन पीपल दे सम वन anybody एनी बॉडी वगैरह आर ड्रॉप हम ड्रॉप करेंगे जब इसको हम सब्जेक्ट्स में बदलेंगे तो ये हम ड्रॉप करेंगे इसको हम नहीं लाएंगे जरूरत नहीं है चार नंबर रूल है वेन द सब्जेक्ट ऑफ द is इज चेंज एंड टू of ऑफ द voice. सम प्रिपोजिशन एज प्लेस बिफोर एट जब हम सब्जेक्ट को एक्टिव वॉयस में इज चेंज इन टू द ऑब्जेक्ट जब हम इसको बदलते हैं ऑब्जेक्ट में पेसिव वॉयस के ऑब्जेक्ट में तो इससे पहले हम कुछ प्रिपोजिशन लगाते हैं जैसे कि बाई वगैरह बाई लगाया जाता है देंस ऑफ दर्ब डज नॉट चेंज और टेंस ये नहीं बदलता पेसी वाइस में टेंस नहीं बदलेगा आई एम राइटिंग अटर वाइस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा लेटर इज बींग रिटन बाई मी इज बींग यहां पर आया इज बींग प्रेजेंट कंटिन्यूस लेटर इज बींग रिटन बाई मी द प्रोनाउन्स आर एज गिवन बिलो ये प्रोनाउन आपने याद करने हैं ये इस तरह हम बदलेंगे पेसिव हुआ इसमें आई बिकम्स मी वी एस यू यू शी हर ही देम एठ एठ हुम हु होम बन जाएगा हुआ वॉइस हु होम टेंस चार्ट पे वॉइस में टेंस चार्ट ये है प्रेजेंट प्रेजेंट एंडेफिनेट में इज एम आर होगा पे वॉइस में इज एम आर आएगा प्लस पास पार्टिसिपल वर्ब तल फॉर्म होगी एस सीन एम सीन आर सीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर के बाद बीइंग होगा बस प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग का इजाफा है इज एम आर के साथ बीइंग का इजाफा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में किस चीज का इजाफा होगा बीइंग इज एम आर के साथ बीइंग लाजिमी होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव बीन होगा हैज हैव हैज और हैव के साथ बीन का इजाफा होगा बीन परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पेसिव वॉइस में हैज हैव बीन स्ट्रक्चर होगा वर्ब टर्न फॉर्म तो हर पेसिव वॉइस में होगी पास्ट पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में वाज और वर होगा प्लस वर्ब टर्न फॉर्म वाज सीन वर सीन पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर के साथ बीइंग होगा जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूस में था लेकिन यहां पर वाज और वर

प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो नहीं बदलती और पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये भी नहीं बदलती ऐसी हुआ इसमें फ्यूचर टेंस में फ्यूचर एंडेफिनेट में वेल शल के साथ बी होगा विल बी सीन शल बी सीन वेल और शल के साथ क्या आएगा बी आएगा नो चेंज फ्यूचर कंटिन्यूस में कोई तब्दीली नहीं होगी फ्यूचर कंटिन्यूस नो चेंज मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम

और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये भी बेसिक वॉइस में नहीं बदलते चेंज नहीं होते एंट्रोजिटिव वर्ब्स हैव नो ऑब्जेक्ट्स एंट्रोजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते दीज कैन नॉट बी चेंज इनटू टू द पेसिव वॉइस तो इसको हम पेसिव वॉइस में नहीं बदल सकते जैसा कि आई गो टू स्कूल दीज हॉर्स रन वेरी फास्ट बर्ड्स फ्लाई इन द एयर लाइन्स रोर इन द फॉरेस्ट तो यहाँ पर ये बात में करें एन ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पेसी वॉइस में चेंज नहीं कर सकते एन ट्रांजिटिव वर्ब्स ओहो वर्ब्स होते हैं जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती आई गो टू स्कूल तो यहाँ पर आई गो वट आर होम वट आर होम का जवाब नहीं आता तो इसको हम एन ट्रांटिव बोलते हैं और इसको हम पेसी वॉइस में चेंज नहीं कर सकते

जिसमें मैं जितनी भी रूल जहाँ पर मेमोराइज़ किए वो हम इसको अप्लाई करेंगे वहाँ पर मिसालों के ज़रिए समझाएंगे कि एक्टिव वॉइस को पे वॉइस में कैसे बदलने हैं एक्टिव और पे वॉइस में जितनी भी क्वेश्चन आते हैं ईटा टेस्ट की तैयारी के लिए और दूसरी जितनी भी इम्तहाना है वो इन लेक्चर में हम कवर करेंगे دعاو میں الله حافظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته